ये शुरुआत है एक ऐसे सपने की जिस सपने को मैंने अपनी खुली आंखों से भी देखा है। एक ऐसा सपना जिसमें एक बाइक हो, उसमें सामान लोडेड हो और मैं बस निकल पड़ूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरी जिंदगी की सबसे लंबी राइड में। भाई ये निकलने से पहले की नर्वसनेस ना यार, हर राइड से पहले मैंने आप लोग को बताया है कि निकलने से पहले ना एक अलग सी नर्वसनेस, मेरे ख्याल से शायद वो एक्साइटमेंट होती है जो कि नर्वसनेस में कन्वर्ट होके मेरे को बहुत अजीब सा फील करवाती है। बाकी देखिए फिलहाल 7 बज चुके हैं एंड मैं निकल चुका हूँ अपने घर से टू माई लॉन्गेस्ट एवर राइड। यस यू हर्ड इट राइट, आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। यस दगड़ियो वी आर गोइंग टू स्पीति वैली। यस ओ गॉड भाई, इट वाज अ ड्रीम यार कि बाइक हो अपने पास एंड ऐसा ही कोई रोड ट्रिप मैं करूँ, लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप, एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग टुडे। भाई एक्साइटमेंट लेवल अलग है, लेकिन मेरी आवाज़ सुन के शायद आप लोग को पता चल रहा होगा एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी हो रही है, जो कि मुझे पता है रास्ते में निकलते रास्ते के बीचों बीच कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी एंड कन्वर्ट हो जाएगी हैप्पीनेस में। बाकी चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दगड़ियो स्वागत आप सभी को मेरे YouTube चैनल ट्रैवल बग में, और ये ट्रैवल बग निकल चुका है देहरादून से, अपने घर से टू अ डिफरेंट स्टेट। एक्चुअली मैं पहली बार जा रहा हूँ अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब कि अभी तक मैंने जितना ट्रैवल करा है, जितनी वीडियोस बनाई है, जितना भी आप लोग को दिखाया है, वो सब का सब उत्तराखंड से था। एंड पहली बार मैं उत्तराखंड क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश में एंटर करने वाला हूँ। बाकी ये जो जर्नी है ना, ये 9 दिन की जर्नी है। आज 30th of September है, 8th of October को हम लोग वापस आएंगे इफ ऑल गोज गुड, एंड आई होप ऑल गोज गुड। बाकी ये राइड मैं सोलो नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ एक जन और है जो कि मुझे मिलेंगे अभी बल्लूपुर पे, तो चलिए फिर उनको मिलाता हूँ आपसे। कैसा लग रहा है? लोडेड लग रही है एकदम बढ़िया। अरे बाइक से मुझे याद आया, मुझे तो बाइक दिखानी है अपनी। तो जी फाइनली अपनी मीटिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं। बाकी ये रहे अपने उमेश भाई जो कि अपने साथ नीति वैली भी गए थे, आप लोगों ने जरूर याद होगा। बाकी अगर नीति वैली वाली वीडियो देखिए तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो की बात करते हैं। बाकी ये रही सामने अपनी बगीरा और पीछे उमेश भाई की रफ्तार जो कि 390 एडवेंचर है, और अपनी ये हिमालयन। भाई ये ड्रीम था भाई कभी ना, मतलब हिमालयन लेके ऐसे लोडेड करके ले जाने का, एंड आज फाइनली वो कंप्लीट हो रहा है। बस यार मुझे एक चीज बेकार लग रही है, वो है ये बंजी कॉर्ड रंग बिरंगी सी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ये हमारी ट्रिप है होगी 0। बाकी हवा चेक, पेट्रोल चेक, एंड इट्स टाइम टू गो। चले तो देखिए यहाँ से शुरू होती है अब अपनी असली जर्नी। बाकी चलिए आप लोग को इस पूरे ट्रिप का ना मैं एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली करने के लिए, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल वैली जस्ट लाइक नीति वैली ऑफ उत्तराखंड। तो वैसा ही कुछ है, बट ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है, ज्यादा रिमोट है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी 9 दिन का ये टोटल ट्रिप होने वाला है जिसमें हम लोग इसका पूरा सर्किट करेंगे। सर्किट से मेरा मतलब है शिमला से हम लोग जाएंगे टूवर्ड स्पीति काजा, एंड वहां से हम लोग जाएंगे मनाली वाले रास्ते में, यानी एक पूरा का पूरा गोल सर्किट, विच वॉज अ ड्रीम एंड फाइनली वो पूरा हो रहा है। भाई सपने देखोगे तो ही पूरे होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाकी जितने भी बीच में जगह पड़ती है, चिटकुल हो गया, मुझे ना नाम याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, तो ये सारी की सारी जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। 9 दिन इज मोर देन इनफ, तो बढ़िया करके एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्पीति वैली का आज है हमारा day 1, जिसमें हम लोग जाएंगे देहरादून से नारकंडा, जिसकी दूरी अराउंड 300-400 किलोमीटर है। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। लो भाई आगे चलते बोलते साथ ही देखो रेड सिग्नल हो गया, जिसे लोग जंप कर रहे हैं। मत करा करो यार, मत करा करो।
उत्तराखंड राज्य में पधारने पर आपका धन्यवाद। मतलब कि दगड़ियों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर में। जो ये ब्रिज आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, यही अपना बॉर्डर है। जहां से अभी हम लोग आए हैं वो है उत्तराखंड, एंड अगर ब्रिज को पार कर जाएंगे तो वो है अपना हिमाचल प्रदेश। और यहां से दिखते हैं अपने पौंटा साहिब, वो देखो जी। वाहेगुरु कृपा बनाए रखना मेरे पर और हम सब पर। बाय। लेकिन ये व्यू देखो ना यार, क्या बढ़िया व्यू है भाई। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे हिमाचल प्रदेश में एंटर करेंगे, स्पीति की तरफ जाएंगे, तो भाई नज़ारे एक नंबर होने वाले हैं। ये देखो जी, ये है बोर्ड अपना हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस का। तो ये हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंटर कर गए। जी अपनी जर्नी का पहला स्टॉप हम लोगों ने ले लिया, बाकी नाहन से करीब अभी हम लोग 20 किलोमीटर पहले होंगे, एंड यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक्स। बाकी डिस्टेंस अगर आप लोग को बताओ ना तो 83 किलोमीटर अभी हम लोगों ने ट्रेवल कर लिया है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रिज व्यू एसी रेस्टोरेंट की। ब्रिज व्यू का नाम पता है क्यों है? क्योंकि भाई जरा ये व्यू देखो भाई, क्या बढ़िया नीचे नदी बह रही है भाई। इसे देख के तो मन कर रहा ना नीचे आके नहा लूं हैंगर, क्या बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। All right, ladies and gentlemen. तो जी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट, एंड अगेन वी आर रेडी टू रोल। बाकी अच्छा था यार, खाना जो था वो अच्छा था, एंड व्यू भी जो था मैंने दिखाया आप लोग को जैसा कि वो भी बढ़िया था। बाकी अभी तक जितना भी डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल करा वो प्लेन इलाका था, एंड अभी हम लोग पहाड़ों में जो है वो एंटर करने वाले हैं। बाकी सामने अगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर जो घर है वो है अपना नाहन। तो नारकंडा तक बीच में जो जगह पड़ेंगी वो नाहन पड़ती है, उसके बाद आएगा अपना सोलान, एंड उसके बाद आएगा शिमला, एंड फिर हम लोग पहुंचेंगे नारकंडा। बाकी यार ये शिमला वगैरह नाम बहुत सुना है कि अच्छी जगह है। वैसे तो देखो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। बाकी पता नहीं भाई, देखो मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन हाँ उत्तराखंड में काफी घूमा हूँ, एंड अब हिमाचल जा रहा हूँ तो देखते हैं कैसा रहता है। आप लोग को बताऊंगा मैं अपना व्यू। ओ तेरी, ये देखो भाई ट्रक घुस गया सड़क छोड़ के नाली में। बाकी अभी मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ, वो है यहाँ के पहाड़। भाई हिमाचल के पहाड़ तो लाल है भाई, देख रहे हो, लाल है पूरा पहाड़ लाल है। ऐसी फीलिंग आ रही है तो देखो, इवन देखो सड़क के किनारे जो मट्टी निकलती है देखो वो भी लाल हो रखी है। तो लाल पहाड़ है जी, लाल पहाड़। तो दगड़ियों हम लोग 172 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं सोलन, जो कि 40 किलोमीटर पहले पड़ता है शिमला से, एंड अपने राइट साइड। भाई साहब देख रहे हो भाई, कितना प्यारा शहर है भाई, कितना प्यारा शहर है। मतलब क्या रंग बिरंगे घर दिख रहे हैं, अगर कहीं से व्यू दिखता है ना तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। ओहो भाई साहब क्या बढ़िया लग रहा है भाई, कितने घने घर हैं और रंग बिरंगे। तो मैं आप लोग को हमेशा ही कहता हूँ हरे पहाड़ में रंग बिरंगे घर बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं भाई। तो ड्रोन शॉट्स आप लोग ने देख लिए होंगे, बाकी कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो शिमला 47 सबाथूस 19, अबे पढ़ाई नहीं गया भाई मुझसे, हद हो गई भाई हद हो गई। तो ये मैं आप लोग को ऊपर से हाईवे दिखा रहा था, अगर आप लोग चंडीगढ़ से आओगे तो यहाँ से आओगे, बाकी देहरादून से आओगे तो हम लोग जहाँ से आए ना वहाँ से आओगे। और अब देखो जरा सड़क का लेवल देखो भाई, यहाँ दो लेन है वहाँ दो लेन है। अब अगर ऐसी सड़क रहेगी तो मजा आ जाएगा भाई, मजा। ये डिफरेंस है भाई उत्तराखंड और हिमाचल में, ये मैंने सुना भी था और आज देख भी लिया। उत्तराखंड की सड़कें और हिमाचल की सड़कों में जमीन आसमान का अंतर है। हिमाचल की गवर्नमेंट ने रोड्स को वेल बिल्ड करा हुआ है। ओ तेरी ये क्या हो गया, लेकिन बोलते साथ ही ये क्या देख लिया मैंने, सड़क की ढह रखी देखो पूरी की पूरी। ये तो भैया ये तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए हैं और बदल गई है सड़क। तारीफ करते साथ ही भाई मामला ही पलट गया पूरा, धूल ही धूल भयंकर। ले भाई देखो यहाँ की तो रोड ही पूरी बंद हो रखी देखो साइड की। अच्छा मुझे इससे याद आया,
अभी पिछले मॉनसून में भाई हिमाचल में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, एंड आई थिंक ये उसी के निशान है अभी तक जो छूटे हुए हैं। ये देखो पूरा पहाड़ टूट के देखो पूरी सड़क में आ रखा है भाई। वैसे मेन जो इम्पैक्ट था वो था मनाली में, लेकिन हाँ इस तरफ भी शिमला साइड भी काफी हुआ था। बाकी ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है। तो जी शिमला में आप सभी का स्वागत है। ये लगाया सामने अपना बोर्ड शिमला, तो यहाँ से एंटर कर गए हम लोग शिमला में। तो मेरे को फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है ना कि इस लॉन्ग वीकेंड में पूरा दिल्ली हरियाणा शायद शिमला ही जा रहा है वही इतना ट्रैफिक हो रहा है, मतलब लाइन लगी हुई है भाई गाड़ियों की। लेकिन चलो अच्छी बात है, हम लोग को प्रॉपर शिमला नहीं जाना है, हम लोग बाईपास रोड पकड़ लेंगे जो कि जाएगा कुफरी होते हुए नारकंडा। तो वहां पे मेरे ख्याल से भीड़ जो है वो कम होगी। लेकिन यहाँ देखो ना भाई जैसा हम लोग सोचते हैं लॉन्ग वीकेंड को यूटिलाइज करने का ना, वैसे सभी लोग सोचते हैं, और इसी का नतीजा है ये भीड़। तो ये आ गया जी अपना शिमला आप लोग के सामने। भाई मेरे क्या बढ़िया जगह है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है। वहां पे देखो वो पूरा अपना शिमला है, और ये वाला पार्ट भी देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। तो कुछ हद तक ना मसूरी जैसा है, लेकिन एक चीज भाई घर इतने ज्यादा क्राउडेड है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कूड़ादान हो, जैसे कूड़ा नहीं पड़ा रहता एक साथ ढेर में, इतना ज्यादा क्राउडेड है। देखो अभी आपकी स्क्रीन में फोटो आई होगी ये देखो बाकी आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई, मुझे तो पूरा लग रहा था पूरा का पूरा। ये कट गया जी रास्ता, जो राइट साइड जा रहा है ना नीचे वो जाता है अपना मेन शिमला, और अभी हम लोग ओल्ड शिमला वाली रोड में घुस गए। तो ये जो है बाईपास रोड है, और यहाँ पे भी जाम देखो जरा कितना जाम लगा हुआ। लॉन्ग वीकेंड बोलते जाम है, शाम है और है मजा। तो ये होते हैं बाइक होने के पर्क्स। मस्त जा रहे हैं हम लोग एकदम ट्रैफिक में भी। हे भगवान ये क्या जाम है। वहां जाएंगे तो शिमला पहुंच जाएंगे, बाकी हम लेंगे यहां से लेफ्ट टुवर्ड कुफरी। अरे भाई साहब जो टनल है, अरे खतरनाक भाई, बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। ले बेटे यहाँ भी जाम ही जाम है। अरे भाई साहब क्या हम उस जाम से बाहर निकल गए हैं। यस हम निकल गए हैं भाई, हालत खराब हो गई यार, इतना गंदा जाम, इतना गंदा। गाड़ियां तो हिली नहीं रही थी, मतलब हमारे पास बाइक थी तो हम बाइक लेके घुस गए यहाँ से वहाँ। भाई साहब भाई कार वालों का तो क्या होगा, वो तो खड़े रहेंगे मेरे ख्याल से आज पूरी रात भर उधर ही। बाप रे बाप। तो जी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके थे कुफरी, और कुफरी में आके ना भाई कुल्फी जम गई कसम से, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। एंड अगर मैं आप लोग को व्यू बताऊँ ना तो देखो सारे के सारे देवदार के पेड़ हैं। मेरा मन तो था कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन यहाँ पे ड्रोन जो है वो अलाउड नहीं है क्योंकि आर्मी एरिया ना, तो देखना पड़ता है कि ऐसा ना कि ड्रोन उड़ा दिया तो गोली गाली पड़ जाए, समझ रहे हो ना। बाकी यहाँ पे बैठे हैं अभी हम लोग, जहाँ हम लोग बैठते ना भाई एक टेबल तो हमें सामान के लिए चाहिए होता है। ये देखो भाई सामान ही सामान। How's the experience? मुझे पहले से पता था although कि शिमला में ट्रैफिक होता है, पर इस समय ध्यान नहीं रहा। अरे हाँ यार ट्रैफिक का तो मैं भूल ही गया भाई, इतना गंदा ट्रैफिक हालत खराब हो गई थी उसमें, लेकिन ठीक है उसको क्रॉस कर लिया। वैसे शिमला भी रुक सकते थे ना, पर वही है कि वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, वहाँ तो रुकना बेकार है। हाँ सही बात है, इतना ट्रैफिक में कुछ मतलब फायदा नहीं था रुक के, तो इसलिए नारकंडा जा रहे हैं। नारकंडा भी कुफरी से 40 किलोमीटर आगे, तो यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं नमस्ते में। बाकी आ गया अपना खाना जिसमें है दाल सब्जी रोटी और चावल भी आ रहे हैं। बाप रे बाप ये कौन सा जानवर है भाई, या के भैया या के। अरे भाई साहब लग भैंस रही है लेकिन बाल काफी बड़े बड़े हैं। कितना चार्ज है फोटो खिंचा, फोटो खिंचाते हैं 50 रुपीज, 50 रुपीज में गाइस फोटो खिंचवा लो। पर बढ़िया यार कितने शांत जानवर लग रहे हैं, आ जाओ फोटो खिंचवानी है क्या। पहली बार देखा मैंने याक, और अगर मैं सच बताऊं तो बिल्कुल ऐसा होता है भैंस होती है ना जैसे भैंस लंबे बाल वाली भैंस ऐसा लग रहा था। ओ तेरी यहाँ तो भाई मौसम ही पलट गया। अरे बाप रे ये देखो भाई फॉग, वैसे मुझे लगता है ये बारिश वाले बादल है नहीं, ये दिस इज ओनली फॉग, बट चलो अच्छा है। बाकी देख लो दिस इज कुफरी। अरे भाई साहब ये तो ठंडे से हालत खराब हो रही है भाई, बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है। मेरी बाइक में दिखा रहा है 21 डिग्रीज, पर 21 होगा नहीं भाई, ये 15-16 है भयंकर। ओ भाई जरा यहाँ पे व्यू देखो जरा कितना भयंकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ में सफेदी छा गई, मतलब फूई लग गई, लेकिन ये फूई नहीं है, ये सेब का बगीचा है
और ये पूरे के जितना भी वाइट पेड़ है सारा के सारे सेब के पेड़ है और ये ढके हुए इसलिए सो दैट चिड़िया वगैरह जो है वो खराब ना करे। तो जी नारकंडा हम लोग पहुंचने वाले हैं, बाकी यहाँ पे हम लोग को मिला है पेट्रोल पंप जहाँ पे हम लोग अब फ्यूल अप कराने का सोच रहे हैं। एंड अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरी बाइक जो है कितने का एवरेज देती है। तो 255 किलोमीटर चल चुकी है, टैंक फुल कराएंगे। हाँ हो गया, ठीक है ठीक है, बहुत है एकदम फुल हो गया, थैंक यू। अरे बेटा बड़ा बढ़िया एवरेज दिया बाइक ने, तो कितना है 7.17 वो 35। भाई आज तो बगीरा ने दिल खुश कर दिया, भाई दिल खुश कर दिया। 35 का एवरेज, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, 34 तो मान लो भाई, भाई 34 भाई गजब है भाई गजब। तो दोस्तों ये हम लोग पहुंच चुके हैं नारकंडा और कसम से भाई यहाँ पे क्यों है इतना ठंडा, मेरी हालत खराब हो गई गाइस, हालत खराब भाई, नाक भरी है भाई। और ये राइडिंग जैकेट ना मेरी मैश वाली है, समझ रहे हो, मतलब ये क्या है गर्मी वाली है जिससे कि इसमें हवा जो है पास हो जाती है भाई। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर्दियों में तो भाई मेरी हालत खराब होगी भाई, भाई साहब बाकी ये अजीब नारकंडा ओ किधर, काफी सुंदर जगह है मेरे ख्याल से, यहाँ ना बर्फ पड़ती होगी भाई बहुत तगड़ी, दैट्स फॉर श्योर। तो अब सबसे जरूरी काम वो है अपने लिए स्टे ढूंढना। तो थोड़े से ही देर में हम लोग को मिल चुका है अपना रूम, ये रहा भाई वीजे रेजेंसी। वैसे ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है नारकंडा में, मतलब है तो लेकिन मेन मार्केट में हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, बाकी यहीं पे मिल गया तो ठीक है। यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है तो बाइक्स हम लोग की यहाँ पे लग जाएंगी। तो सामान वगैरह लेके जाते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बात रूम में। तो जी ये रहा अपना रूम, बाकी यहाँ पे लग चुका है अपना पूरा का पूरा सामान। तो मतलब ठीक ठाक रूम है, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। बाकी अगर मैं आप लोग को बालकनी का व्यू दिखाऊं तो बालकनी से हमारे कुछ ऐसा व्यू दिखता है, तो ठीक है ओवरऑल। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये पड़ा है हम लोग को 1200 रुपये का। अब देखो सनसेट हो चुका है तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो टाइम नहीं गवाते हैं, मेरा ड्रोन उड़ाने का मन है, देखते हैं नारकंडा आसमान से कैसा दिखता है। ड्रोन शॉट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, बाकी जब तक आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स देखे हम हो चुके हैं फ्रेश। एंड अभी नारकंडा मैंने आप लोग को ऊपर से दिखाया था, अभी फिलहाल अपने होटल से हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ सामान भी खरीदना था तो वो भी खरीद लेंगे भाई। पर ठंडा हो रहा है यहाँ पे बहुत भयंकर ना, मैं देखो कितनी मोटी जैकेट पहन रखी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा होगा। तो ये था अपना नारकंडा, बाकी आज ना यार काफी ज्यादा थकान लग गई है, मतलब 300 किलोमीटर का दिन था हमारा जो कि आज हमने कंप्लीट कराया देहरादून से नारकंडा। एंड कल का अगर मैं आप लोग को प्लान बताऊं तो हम लोग यानी अगली वाली वीडियो में हम लोग जाएंगे यहाँ से हाटू पीक और चिटकुल। बाकी हाँ अब डे टू से ना भाई नजारे जो है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाले हैं, एंड कसम से वीडियो में भी ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ठीक है फिर मैं क्या सोच रहा हूँ इस वीडियो को एंड करते हैं, सो जाते हैं, एंड कल सुबह जल्दी उठ के हम लोग निकलेंगे यहाँ से चिटकुल और हाटू पीक। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। Yeah.